मैंने खाने वाले को, पानी वाले को सबके रोक रहे हैं यहाँ पर, बोल रहा है कि यहाँ से ये तम्बू ताम धाम हटाओ नहीं तो इस पर किरान चला देंगे। हमारी बेटी को शादी को 3 महीना बचा है, सब सामान उसी में था, अंदर में कुछ भी नहीं निकाल पाए, हम लोग काम कर रहे थे, टाइम था ही नहीं। सारा कपड़ा लत्ता जो है सोफे ऊपर सब बेकार हो गया, सब इसी में रह गया। अरे मानना है तो एक ही बार सब हम लोग एक जगह हो जा रहे हैं, मार दो सबको, मर जाएंगे, कोई बात नहीं है, समझ गए। लेकिन ऐसे घुट घुट की जिंदगी मत जीने दीजिए। कागज भी दब गए, सारे प्रूफ दब गए, क्या करें हम लोग, कह रहा कहीं का झुग्गी नहीं बचे। मैं बोली कि ये सब झुग्गी, ये सब मकान, ये मकान भी तो इसी में पड़ता है, अले गरीब मकान है, कह रहा नहीं पड़ता है, ये लोग ये क्यों तोड़ेंगे, पुलिस वाला कह रही ये क्यों तोड़ेंगे, हमने फिर गरीब को क्यों सता रहे हो तुम। कोरोना काल में जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की और घर पे रहने की रियायत दी जा रही है, मशवरे दिए जा रहे हैं, वहां उन लोगों का क्या जिनके घर लगातार तोड़े जा रहे हैं। अभी हमने कुछ समय में देखा है कि पूरे शहर भर में मल्टीपल डेमोलिशन ड्राइव जो हैं वो इनिशिएट की गई हैं। आज हम हैं एक ऐसी ही स्थान पर जहां पर डेमोलिशन ड्राइव हुई है 24 सितंबर को, और 6 दिन हो चुके हैं इस डेमोलिशन ड्राइव को, पर आगे ऐसा लग रहा है कि जो बचे कुछ घर हैं वो भी डिमोलिश कर दिए जाएंगे। ये इलाका है DND फ्लाईओवर से सटा हुआ, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के पास, बाटला हाउस के धोबी घाट के आगे। ऐसा माना जा रहा है कि DDA ने ये डिमोलिशन ड्राइव जो है वो इनिशिएट किया था इस लैंड को क्लियर करने के लिए, और यहाँ पर 6 दिन बाद जब डिमोलिशन हो चुकी है, लोग बिना किसी एवेन्यू के, बिना किसी सुख सुविधान के, यहाँ पर बिना खाने के, बिना पानी की एक बूंद के यहाँ पर रह रहे हैं। जो वाटर टैंकर्स यहाँ पर पहले आ रहे थे उन्हें रोक दिया गया था, और खाने का प्रावधान यहाँ पर कोई भी नहीं है। तुम यहाँ से जाओ, जहाँ जाना है तुझे वहाँ जाओ, नहीं तो ये भी गाड़ी में भर जाएगा, यहाँ से निकलो जल्दी, खाली करो। सुबह माँ के बता रहे थे मीडिया वाले, वो मीडिया वाले का धक्का मार के भगा दिए, नहीं आने दे मीडिया वाले को, तब तक नहीं दिया। बता हम लोग कैसे रहे, क्या करें, इतना छीन लिया फिर भी सरकार को तसल्ली दिल में नहीं है, मर जाएंगे मगर इसी जगह रहेंगे, हमें घर के बदला में घर चाहिए। BJP ने बोला था जहाँ झुग्गी वहाँ घर, अरविंद केजरीवाल ने बोला जहाँ घर जहाँ झुग्गी वहाँ घर, उसका वादा पूरा करो। केजरीवाल अपने माँ बाप का है, बोला कि मैं सबके बेटा हूँ, तो वो बेटा को बोलो इस जगह, और बेटा को बोलो अपने माँ बाप को वादा पूरा करें। छोटे छोटे बच्चे वहाँ पड़े हैं, रिक्शा तक का तोड़ दिया, खाने कमाने का जो जरिया था वो भी गया, किसी चीज़ का कोई सुनवाई नहीं है। सरकार कह रहे लॉकडाउन है, जो जहाँ है वो वहीं रहेगा, ये कहाँ है, हम लोग तो खुले आसमान में आ गए, मैदान में आ गए, कहीं कोई ये हम लोगों का ये नहीं है, समझ गए। छोटे दिन में धूप परेशान हो रहे हैं, रात में मच्छर काट रहे हैं, लाइट तक का लगाने नहीं दे रहे हैं, यहाँ तक का पानी आ रहा है, टैंकर को 10 मिनट यहाँ पे रुकने दिया फिर ले गया भरा टैंकर, क्या फ़ायदा फिर। तो एक भी बर्तन नहीं है न पहनने का, 3 दिन से ये कपड़ा पहने हुए हैं, समझा, जब से क्या चीज में पकाओ, क्या चीज में खाओ, चूल्हे नहीं है, देखो चूल्हे की देखो, बर्तन बिलिया सब सारा उसी में चप किया, भरते भरते कर दिया, एकदम कोई चीज नहीं बची, कोई सामान एक गिलास नहीं बचा पानी पे, अभी टिश्यू पेपर पर खाना दाब देंगे, अभी फेको वाली प्लेट लेके खाना मांग के खाई हूँ। मुझे घर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, खाना खाने से क्या होता, घर ही नहीं है तो, जब शौचालय भी नहीं है तो कहाँ जाएंगे, शौचालय तो तोड़ दिया, जवान लड़की लेकर के पूरी पूरी रात जग के सुबह करती हूँ, 6 दिन हो गया जगते जगते, एक कपड़े पहन के रहती हूँ, कपड़े तक अंदर धर दिया, ना बर्तन ना खाने पीने का कुछ भी नहीं छोड़ा, हर चीज अंदर घुस गया, मोबाइल भी तोड़ दिया। मेरे बच्चे के कपड़े मिले तब मलबे में से, अभी एक एक निकाल रही छांट करके, अब उसमें किसका किसका कपड़ा जो मेरा बेटा का ही मैं निकाल ले रही हूँ। डेमोलिशन रिलेशंस को लेके हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग पॉलिसीज हैं जी। दिल्ली की पॉलिसी ये कहती है कि अगर आपकी बस्ती 2006 से पहले की है और आपका मकान 2015 से पहले का, तो सरकार आपको नहीं हटा सकती, और अगर सरकार को किसी वजह से आपको हटाना है तो आपका पुनर्वास करना पड़ेगा। पुनर्वास का मतलब है कि सरकारी डिपार्टमेंट के बजट में से फंड्स जाएंगे, तो सरकार वही करती है हमारे देश में पुनर्वास को लेके, जो बाकी सभी कानूनों को लेके किया जाता है कि भाई आप काम कर दीजिए जहां आपको मौका लगे, 100 में से
10 लोगों को पता होगा कि पुनर्वास का कोई कानून है, 10 में से 2 लोग किसी के पास जा पाएंगे, ये मुद्दा उठा पाएंगे, 2 में से शायद 1 को हमें रिहैबिलिटेट करना पड़े। तो ये इट्स अ कॉमन स्ट्रेटजी थ्रू आउट कि आप जाओ जल्दी से डेमोलिश कर दो, एक बार डेमोलिशन हो जाएगा हम जमीन ले लेंगे फिर बाद में देखेंगे। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस, ज्यादातर बार क्या होता है कि सरकार को रिहैबिलिटेशन करना नहीं पड़ता क्योंकि किसी को पता ही नहीं है, कोई कोर्ट जा ही नहीं पाता। आप हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपनी याचिका लेके, उसमें आप कोर्ट से ये बोलते हैं कि भाई कानून के अंदर हमें हटाने से पहले इनका ये ड्यूटी है कि हमारा पुनर्वास किया जाए, और इसलिए आप इन्हें डायरेक्शन दीजिए कि हमारा डेमोलिशन रोकें, पहले हमारा सर्वे करें फिर हमारा पुनर्वास करें, और उसके बाद अगर ये डेमोलिशन करना चाहते हैं तो कर दें। हर साल हाई कोर्ट से मैं जिस दफ्तर में काम करता हूं उस दफ्तर से कम 1 दर्जन केस ऐसे फाइल होते हैं जिसमें DDA डेमोलिश कर रहा होता है, हम हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट स्टे देता है, 1 दर्जन हर साल, और ये सिर्फ एक दफ्तर, हमें नहीं मालूम और कितने लोग कितने केस फाइल कर रहे हैं। क्या DDA को ये मालूम है कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक ड्यूटी है, कर्तव्य है कि उनका पुनर्वास करना है? DDA को ये मालूम है क्योंकि DDA ने खुद ने अपनी पॉलिसी बनाई है, DDA इतने सारे केस लड़ रहा है, तो DDA को सब मालूम है कि आपको इन लोगों का पुनर्वास करना है, लेकिन वो नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, किसी ऑर्डर, किसी दे आर लुकिंग फॉर एक्सक्यूज, बहाना, किसी कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास कर दिया बिना कोर्ट को बताए कि पुनर्वास नाम की भी कोई चीज होती है, वो ऑर्डर लेंगे और फटाक से डेमोलिशन कर देंगे। ये बड़े खेत की बात है कि जब हम हाई कोर्ट जाते हैं तो हमें स्टे तो मिल जाता है डेमोलिशन के खिलाफ, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हाई कोर्ट ने DDA पे कॉस्ट इम्पोज कर दी या कोई क्रिमिनल एक्शन उसके खिलाफ इनिशिएट किया। जब आप 1 दर्जन केसों में स्टे दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि DDA ने जो किया वो गलत था। अब जो DDA ने किया वो गलत था तो उसकी क्या उसे सजा मिलनी चाहिए? लेकिन इस उस पे मेरा ऐसा अनुभव रहा है कि ऑर्डर नहीं पास हो रहे हैं DDA के खिलाफ। 50% केसों में एक नोटिस होगा जिसपे साइन नहीं होगा और उसे किसी चुपके से कोने में लगा देंगे। जब तक बस्ती वालों को पता लगेगा कि नोटिस आया है कुछ है, तब तक डेमोलिशन शुरू। इस केस में ये उन बाकी के 50% केसों में से है जिसमें कोई नोटिस भी नहीं दिया गया कि आप लोगों का घर हटाया जाएगा। सुबह 10 बजे आते हैं, एक ऐलान करते हैं, 5 मिनट का टाइम देते हैं और डेमोलिशन शुरू कर देते हैं। लाइक व्हाट इज दिस, व्हाट काइंड ऑफ एन एटीट्यूड इज दिस? और इस वाले मामले में जो क्रूरता है वो ये भी है कि जैसे जैसे ये इन लोगों का डेमोलिशन कर रहे हैं, 5 मिनट में आप अपना घर का सामान बाहर नहीं निकाल सकते, आप फ्रिज निकाल लेंगे, TV निकाल लेंगे, आपके कपड़े दब गए। उसके बाद इन्होंने मलबा इकट्ठा करने के नाम पे लेके जो भी लोगों का घर टूटा था वो सब कुछ उठा के ले गए, जब्त कर लिया। अब वो मलबा कहाँ गया जिसमें हमारी किताबें थी, हमारे कपड़े थे? एक और एंगल है इसको, आपका घर कभी भी तोड़ा जाए ये सबसे क्रूर काम जो आपके साथ किया जा सकता है वो है। ये और भी क्रूर है COVID-19 के दौरान किया जाना।